विद्महे कोटिरक्षाय धीमहि तन्नो गणपति प्रचोदयात्। ग्राम जारोड़ा जो हमारे अन्नदाता किसानों का एक ऐसा गांव है जो हमें मेहनत और सम्मान के साथ जीने का पाठ पढ़ाता है। जब हम यहाँ की गलियों में घूमते हैं तो हमारे मन में बड़ी शांति मिलती है, क्योंकि यहाँ सभी जाति धर्म और संप्रदाय के लोग बड़े प्रेम और आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं। गांव के धार्मिक आस्था के केंद्र भी जीवन में धर्म के महत्व को बताते हैं। ग्राम जारोड़ा में प्रातकाल के समय जब मंदिरों में घंटियों की ध्वनि के साथ मस्जिद से निकली पाक अजान की आवाज आती है तो मन बड़ा प्रफुल्लित होता है और गांव की सांप्रदायिक सद्भावना का हमें आभास भी होता है। अभी हम हमारे गांव की सरकार का चयन कर रहे हैं, क्योंकि हमें आने वाले 5 वर्षों तक किन्हीं मजबूत व कर्मठ हाथों में हमारे गांव के विकास की बागडोर देनी होगी। इस बार ग्राम जारोड़ा के सामान्य कृषक व पशुपालक के बेटे श्री हनुमान राम चौधरी अपनी धर्मपत्नी श्रीमती कमला देवी के पक्ष में पुनः आपसे आशीर्वाद और समर्थन की मांग करते हैं। श्रीमती कमला देवी एक सुशिक्षित गृहिणी है और ग्राम जारोड़ा के विकास का पूरा कार्यक्रम लेकर आप लोगों के मध्य आई है। ग्राम जारोड़ा और आसपास की सभी ढाणियों को रोड लाइटों से जोड़ना उनकी प्राथमिकता होगी। साथ ही सुगम यातायात के लिए वो प्रत्येक आवश्यक जगहों को पक्की सड़क से जोड़ना चाहती है। अभी उन्होंने युवाओं के लिए एक खेल मैदान तो बना दिया, परंतु वो गांव के नन्हे मुन्नों को भी एक पार्क की सौगात देना चाहती है जहां वो मनोरंजन कर सके। गांव जारोड़ा का स्कूल अपने आप में ही ज्ञान की परिभाषा है, परंतु इसके अंदर कोई भी श्रेष्ठ कार्य करने की आवश्यकता होगी तो वो सदैव तत्पर रहेगी। ग्राम जारोड़ा के मोक्षधाम को 4 दीवारी करना भी इनकी प्राथमिकता होगी। गांव को स्वच्छ रखने के लिए पक्की नालियों का निर्माण करना व सड़कों का निर्माण करना भी इन्होंने अपनी प्राथमिकता में रखा है। ग्राम जारोड़ा व आसपास की ढाणियों में GLR बनाकर वो पेयजल की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कटिबद्ध है। श्रीमती कमला देवी गांव की प्रतिभाओं को सम्मान व प्रोत्साहन देने के लिए पंचायत की तरफ से वर्ष में एक बार एक कार्यक्रम का आयोजन करना चाहती है जहां प्रतिभाओं को नवाजा जा सके। श्रीमती कमला जी समाज के सभी वर्गों को शिक्षा की मुख्य धारा के साथ जोड़ना चाहती है, जिससे शिक्षा का समाज में ज्यादा से ज्यादा फैलाव हो सके। आज कुटीर उद्योगों के माध्यम से कोई भी रोजगार आसानी से प्राप्त कर सकता है। श्रीमती कमला देवी जी का इरादा है कि गांव के सभी वर्गों के लोगों को कुटीर उद्योग धंधों में जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। आइए हम कमला देवी के विचारों से अवगत होते हैं। राम राम सामे। कमला देवी धर्म पत्नी हनुमान राम जी हनुमान प्रसाद चौधरी की एक बार पुनः आपके बीच में उपस्थित हूँ। मैं आपसे ग्राम जारोड़ा के सरपंच पद का आशीर्वाद समर्थन मांगती हूँ कि इससे पूर्व भी आप सम्मानित जारोड़ा की जनता ने मुझे आपकी सेवा का अवसर प्रदान किया था और मैंने भी अपने समर्थ के अनुसार सभी ग्रामवासियों की सेवा की। वे गाँव के सभी ग्रामवासियों ने की सेवा वे ग्राम के का विकास किया। मैं सम्मानित जारोड़ा की जनता से मैं करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि इस बार के सरपंच के चुनाव में मुझे अपना मत वे समर्थन दे। वे मेरे चुनाव चिन्ह बल्ला को चुनकर मुझे आपका आशीर्वाद वे समर्थन प्रदान करें। मैं आप सभी को विश्वास दिलाती हूँ कि आप लोगों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। राम राम साहब। श्रद्धेय दर्शकों,
आज जारोड़ा को भी ऐसे ही मेहनती की आवश्यकता है, जो नव चेतना के साथ गांव की काया पलट करे। अपने पहले कार्यकाल में इन्होंने गांव के विकासात्मक कार्य किए और इस बार भी ग्राम जारोड़ा की 36 कौम की सेवा के लिए तत्पर है। आपसे निवेदन करेंगे कि आपका कीमती वोट श्रीमती कमला देवी जी धर्मपत्नी हनुमान राम जी को प्रदान करें। याद रखिए, कमला देवी का चुनाव चिन्ह बल्ला यानी बैट है। बैट को चुनकर आप ग्राम जारोड़ा के विकास की एक नई इबारत लिखने में सहायता करें। प्रणाम, वंदे मातरम।